नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ केशव खेरा और पोको ने फाइनली भारतीय बाजार में पोको X3 को लॉन्च किया है और आज हमारे पास ये फ़ोन आ चुका है जिसकी अनबॉक्सिंग हम इस वीडियो में करने वाले हैं। बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि लिखा है पोको X3 रियलिटी फ्लो 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट। भाई बहुत शानदार स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन लॉन्च किया है और बजट भी एकदम किफायती है। तो चलिए बिना किसी देर के फ़ोन की अनबॉक्सिंग की जाए। यहाँ से बॉक्स को खोल लेता हूँ। काफ़ी हल्का लग रहा है, पता नहीं क्या बात है, इतना हल्का बॉक्स। ओके, इसको यहाँ रखते हैं। हैं ये क्या, फ़ोन कहाँ है? ओके, यहाँ सिर्फ सिलिकॉन कवर है और क्विक स्टार्ट गाइड है और साथ ही साथ यहाँ पे सेम इंजेक्शन टूल भी मिल जाता है। फ़ोन कहाँ है? ओके, घबराइए मत, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये है सिलिकॉन कवर जो कि बॉक्स के अंदर मिला है आपको, साथ साथ क्विक स्टार्ट गाइड मिल रही है और सेम इंजेक्शन टूल भी आपको मिल रहा है। यहाँ पे फ़ोन यहाँ पे है। जी हाँ, कंपनी ने हमें ये एक रिव्यूअर्स बॉक्स भेजा है। जब आप पोको X3 खरीदेंगे तो आपको इस टाइप के बॉक्स के अंदर मुहैया करवाया जाएगा, लेकिन कंपनी ने हमें ये रिव्यूअर्स बॉक्स भेजा है और मैं ये रिव्यूअर्स बॉक्स आपको दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने उसके अंदर डाल के अनबॉक्सिंग नहीं करी। यहाँ पे इसमें ही जो फ़ोन रखा है उसको मैं अनबॉक्स कर रहा हूँ आपके लिए। देख सकते हैं कैसे स्लाइड करके इसको खोला जाता है और यहाँ से हम फ़ोन को लिफ्ट कर सकते हैं इजीली। तो लिफ्ट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। ओके, फ़ोन काफ़ी भारी लग रहा है, पर एनीवे ये रहा फ़ोन। इसको मैं यहाँ से जो पॉलीथीन लगी है इसमें से निकाल लेता हूँ। काफ़ी भारी और ब्रॉड फ़ोन है, एक्चुअली में काफ़ी भारी है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं पोको की ब्रांडिंग मिल जाएगी जो कि देखने में काफ़ी शानदार लग रही है। लुक्स काफ़ी अच्छी है फ़ोन की। एनीवे इसको मैं ऑन करता हूँ और इसको मैं प्लेस करता हूँ यहाँ पे ताकि आप इसको ऑन होते हुए देखिए। आप इसका बूट टाइम नोटिस कीजिएगा, तब तक मैं इसका बाकी बॉक्स कंटेंट आपको दिखाता हूँ। ये सब बॉक्स कंटेंट आपको इस वाले बॉक्स के अंदर मिलेगा, ना कि इस वाले बॉक्स के अंदर। ये सिर्फ रिव्यूज गाइड बॉक्स है जो कि कंपनी ने हमें भेजा है। तो यहाँ पे आपको एक चार्जर मिल जाता है। चार्जर पे लिखा है 11W 3 Ah मैक्सिमम और 20W 1.35 Ah। तो ये चार्जर है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक टाइप सी केबल भी मिल जाती है। इसके अलावा बॉक्स में कुछ नहीं है। स्मूथ AF, ओके, बंद नहीं हुआ, स्मूथ AF बंद हो गया। तो फटाफट से अब हम एक बार फर्स्ट इंप्रेशन में नज़र डाल लेते हैं। तो ये रहा पोको X3 आप सबके लिए और अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसका फर्स्ट इंप्रेशन। सबसे पहले डिज़ाइन की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो डिज़ाइन एक नए रूप में पेश किया गया है, एक नए तौर पे कंपनी ने पोको X3 को पेश किया है। पोको X2 आपको याद होगा एक सर्कुलर शेप, पीछे पैटर्न था उस पर, वर्टिकल डिज़ाइन था कैमरा मॉड्यूल का, लेकिन यहाँ पर दोबारा सर्कुलर दिया है लेकिन कैमरा मॉड्यूल डिफरेंट कर दिया है। यहाँ से स्क्वायर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राउंड एजेस कर दिए गए हैं। काफ़ी शानदार लग रहा है कैमरा देखने में। सेंटर में आपको ये पट्टी मिल जाती है जिसपे क्रिस क्रॉस लाइंस दी गई हैं। पोको की ब्रांडिंग है, ब्लू कलर का फ़ोन आया, बहुत ही शानदार दिखता है। इधर थोड़ा सा लाइट ब्लू है, बीच में थोड़ा डार्क ब्लू है, हालांकि वो डार्क ब्लू शायद इसलिए लग रहा है कि लाइन्स दी गई हैं, पर लुक बहुत अच्छी है। एक कमी लगेगी कि भारी बहुत है फ़ोन। 6000 mAh बैटरी है लेकिन भारी भी बहुत है फ़ोन। साथ साथ यहाँ पर प्लास्टिक बैक पैनल आपको मिल जाता है, तो ये थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग बात है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्लास बैक पैनल मिलेगा लेकिन कंपनी ने भैया प्लास्टिक दे दिया यहाँ पे। ओके, प्लास्टिक के अलावा आपको बता दूं कि नीचे आपको मिलता है यहाँ पे स्पीकर ग्रिल, एक माइक है, टाइप सी पोर्ट है, 3.5 मॉड्यूल जैक है। इस तरह आप देखेंगे तो आपको फिर से सेम पैटर्न मिलता है, यानी पावर बटन के ऊपर ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, वॉल्यूम ब्लॉकर की दी गई है। ऊपर भी आप देख सकते हैं माइक है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है IR ब्लास्टर जो कि शाओमी का ही है, पोको से सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, पर पोको की सबसे अच्छी बात रहती है, शाओमी की भी बात रहती है कि IR ब्लास्टर हमेशा मिलता है। और इस तरह आपको सिम ट्रे मिल जाती है। सिम ट्रे कैसी है वो ज़रूर खोल के दिखाऊंगा। तो ओवरऑल डिज़ाइन बेहद ही शानदार है, पर ये प्लास्टिक जो दे दिया ना, यहाँ थोड़ा सा मैं निराश हूँ और थोड़ा हैवी है। कंपनी शायद थोड़ा सा इसको कुछ करके थोड़ा वेट कम कर सकती थी, बट ठीक है, बैटरी भी तो 6000 mAh की बैटरी है तो चल जाएगा, इतना एक्सेप्टेबल है। आगे बढ़ते हुए अब हम डिस्प्ले की बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि फ़ोन में आपको मिलता है 6.67 inch का फुल HD+ रेजोल्यूशन डिस्प्ले जिसपे गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी गई है। अब आप कहेंगे कि गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन और 6.67 inch डिस्प्ले है और क्या है, और खासियत यह है कि 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट। जी हाँ, बॉक्स के ऊपर लिखा है, मैंने आपको शुरू में दिखाया था, 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है। मक्खन ये देखिए परफॉर्मेंस है, देखिए एनिमेशन देखिए कितनी मक्खन स्मूथ है, एकदम स्मूथ, एकदम टच करते ही स्वाइप अप हो जा रहा है। और डिस्प्ले के सेक्शन में जाके भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश रेट देखिए 120Hz है। ये देखिए इन्होंने एनिमेशन का एक वो भी दिया है कि रेफरेंस दिया है, 60Hz पे बैटरी सेव होगी लेकिन रिफ्रेश रेट थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा।
एनिमेशन थोड़ी स्लो हो जाएंगी। यहाँ पे बैटरी ज़रूर कंज्यूम होगी लेकिन एनिमेशन बहुत ही स्लो मिलेगी, सॉरी बहुत ही अच्छी और स्मूथ मिलेगी। तो काफ़ी अच्छे से यहाँ पे कंपनी ने एलैबोरेट करके बताया गया है कि कैसे आप 60 हर्ट्ज या 120 हर्ट्ज में स्विच कर सकते हैं, क्या बेनिफिट उसमें होने वाला है। तो ओवरऑल डिस्प्ले मुझे बहुत ही पसंद आया 120 हर्ट्ज स्क्रीन रिफ्रेश रेट की वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें फ़ोन के प्रोसेसर की, तो यहाँ पे आपको नया प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G चिपसेट दिया गया है। याद होगा आपको पोको X3 में 730G चिपसेट था, इसमें 732G चिपसेट दिया गया है। 2 पॉइंट का फ़र्क है, पर वो 2 पॉइंट का फ़र्क कितना फ़र्क लाता है वो हम टेस्ट करके बताएंगे। हम इसके ग्राफिक बेंचमार्क और गेमिंग टेस्ट करेंगे पोको X3 से कंपेयर करेंगे, हम इसके ग्राफिक बेंचमार्क और गेमिंग टेस्ट करेंगे पोको X2 से इसे कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा फ़ोन बेटर है। वैसे तो डेफिनेटली नया फ़ोन है तो ये आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा ही, मेरा ऐसा असम्पशन है, लेकिन हो सकता है कि पोको X ज़्यादा अच्छा साबित हो जाए, पर एनीवे वो सब टेस्ट के बाद पता चलेगा। अगर यहाँ पे हम ऑल स्पेक्स पे नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि 6GB रैम मिलती है, ऑक्टा कोर मैक्स 2.30GHz का प्रोसेसर है, एंड्रॉयड 10 दिया गया है, MIUI वर्जन 12.0 है फॉर पोको। ये पोको के लिए डिज़ाइन किया गया है कंपनी ने, जो आप इसका जो ओवरऑल फील देख सकते हैं वो पोको के लिए ही है। MIUI 12 ज़रूर है लेकिन ओवरऑल जो इसका यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन किया गया है वो पोको लॉन्चर के तौर पे पेश किया गया है। यहाँ देख सकते हैं MIUI वर्जन फॉर पोको। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाता है। हमारे पास 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज वेरिएंट आया है। कंपनी ने 3 वेरिएंट पेश किए हैं, 6GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज, 6GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज और 8GB रैम के साथ 128GB की इंटरनल स्टोरेज। शुरुआती कीमत है 16,999 रुपये और जो लास्ट हाईएस्ट मॉडल है वो 19,999 रुपये तक जाता है। अब आपको मैंने लगभग सब कुछ बता दिया, कैमराज का पार्ट रह गया है। कैमराज के पार्ट के अलावा आपको बता दूं कि ये एक P2i स्प्लैश प्रूफ रेसिस्टेंट से आता है, तो थोड़ा बहुत पानी गिर जाए तो नुकसान नहीं होगा। तो थोड़ा बहुत पानी गिरा देते हैं हम इस पर, आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत पानी गिरा दिया है मैंने, आपके सामने लाइव टेस्ट दिखा रहा हूँ मैं। अब मैं ज़रा पानी को भी पहुँच देता हूँ, पहले मैं नीचे पहुँचूँगा, थोड़ी देर पड़े रहते थे फ़ोन पानी, आपको ऐसा ना लगे कि मैं ब्लफ कर रहा हूँ। तो मैंने नीचे से पहले पानी पहुँच दिया है और अब मैं फ़ोन का पानी पहुँचूँगा। सारा मेरे इस क्लॉथ पानी लग गया इसलिए पहुँचने में परेशानी हो रही है, आई एम सॉरी। ओके, तो पानी पूरी तरह से मैंने साफ़ कर दिया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हुए कैमरास पे नज़र डालते हैं, तो आपको बता दूं कि 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर आपको इसमें मिल जाता है, अभी पानी लगा थोड़ा बहुत, और 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो है और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाता है, 64+13+2+2। तो एक बार कैमरा सेक्शन में जाके आपको टेस्ट दिखा देता हूँ, डोंट एग्री। तो ये आप देख सकते हैं मेन कैमरा है, शटर स्पीड कितनी फास्ट है, यहाँ से 13 मेगापिक्सल वाइड पर स्विच कर सकते हैं आप, डेमो देखिए। ये 2x है, हालांकि ऑप्टिकल नहीं है, डिजिटल जूम है। पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, मोर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, नाइट मोड, 64 शॉर्ट वीडियो, वी लॉग का ऑप्शन बहुत पसंद आने वाला है, वी लॉगर्स के लिए बहुत सही चीज़ है ये, ज़रूर आजमाइएगा। मैं इसके रिव्यू में आपको इसके बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताऊँगा। और यहाँ पर स्लो मोशन, टाइम लैप्स, फ्रंट एंड बैक में दोनों कैमराज एक साथ काम करेंगे। ये देखिए दोनों कैमराज एक साथ काम करते हैं फ्रंट एंड बैक में, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं। और अगर हम फ़ोटो पे जाएं तो यहाँ से आप मैक्रो मोड भी ऑन कर सकते हैं, और वीडियो की अगर बात करें तो आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग बैक कैमरा से ऑपरेट कर सकते हैं, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे बैक कैमरा से। वहीं फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है, दिखा देता हूँ मैं आपको। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 1080p वीडियो ही रिकॉर्ड कर पाएंगे, फ्रंट में भी पोर्ट्रेट मिल जाता है आपको, फ्रंट में ये सब ऑप्शन नहीं मिलेंगे आपको, ये सब बैक कैमरा के हैं। और यहाँ पे आप देखिए कि प्रो में आप फोटो तो खींच सकते हैं प्रो मोड में बैक कैमरा से, प्रो मोड में वीडियो भी बना सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छे से पावर पैक्ड स्मार्टफोन है, बहुत सारे फीचर्स के साथ कंपनी ने इसे लॉन्च किया है और प्राइसिंग भी एकदम किफ़ायती रखी है, 16,999 रुपये। अब मैं इतने सारे फीचर्स तो आपको बता दिए, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप पोको X3 को लेंगे तो किस वजह से लेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और अगर आप इसका कंपैरिजन किसी फ़ोन से देखना चाहते हैं तो जल्दी से मेंशन कर दीजिए, मैं फटाक से वीडियो लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि बहुत जल्द
जो कंपैरिजन आपने बोला है वो आपको दिखाऊं। पर एनीवे कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और हमेशा की तरह पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।